दरम्यान सबरीमालाच्या निकालावरती Now, why the the court has now moved it to a 7-member bench is because they need time to review this again. They need time to investigate more into this matter. And I am very hopeful that dharma will be upheld very soon. Ma'am, Hindi mein ek baar ki bade bench ko bhej diya gaya hai. आई थिंक एक तरफ से अच्छी बात है क्योंकि और भी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखेंगे अभी और डाइटी के बारे में और भी स्टडीज होंगे और डेफिनेटली दे विल कम टू अ वेरी गुड कंक्लूजन सो आई थिंक आई एम वेरी होपफुल दैट यू नो मूविंग टू अ बेंच 7-member बेंच इज गुड बट वी हैव इन शबरीमला वी हैव द मंडलकालम विच इज स्टार्टिंग ऑन 16th जस्ट टू डेज एंड वी डोंट वॉन्ट एनी प्रॉब्लम्स लाइक last year so we are requesting that you know to please make the rule like what it was before the verdict last year and we want you know the devotees to pray in peace that's it shanti se shanti shilpa ma single kar pao दरम्यान सबरीमाला संदर्भातली एक महत्वाची अपडेट समोर येते ती म्हणजे सबरीमालाची याचिका मोठ्या पीठाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. सबरीमाला संदर्भात आज फेरविचार याचिकेवरती निकाल येणार होता मात्र सबरीमालाची याचिका आता मोठ्या पीठाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. केरळातील हे सबरीमाला मंदिर प्रश्न या संदर्भात फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि त्या संदर्भातला निकाल येणं अपेक्षित होतं मात्र आता सबरीमालाची जी याचिका आहे ती मोठ्या पीठाकडे. सुप्रीम कोर्ट का आज जो निर्णय आने वाला था उसमें जो है वो तीन जजों का जो निर्णय था वो इक्वालिटी के बाजू से था और दो जज जो तो है वो अभी भी जो है वो अलग निर्णय था तो 3+2 से ये निर्णय आ रहा था. इसलिए जब अभी फेस्टिवल शुरू होने वाला है तब कहीं ना कहीं और हिंसा हो सकती है इस निर्णय का विरोध हो सकता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर लार्जर बेंच के यहाँ पे ये अगर निर्णय सौंपा है तो मुझे लार्जर बेंच के ऊपर विश्वास है लेकिन जल्द निर्णय होना चाहिए क्योंकि ये फेस्टिवल आने वाला है और इसमें महिलाओं को जो दर्शन का अधिकार मिलना चाहिए वो तुरंत मिलना चाहिए तो इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं. लार्जर बेंच जो निर्णय देगा वो संविधान ने दिया हुआ अधिकार फिर से महिलाओं को मिलवा कर देगा. पहले वाला जो ऑर्डर था उसके बारे में स्टे देना या नहीं देना उसके ऊपर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है तो अभी 17 तारीख से जो फेस्टिवल शुरू होने वाला है उसके बारे में क्या कहोगे? अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 2018 का जो निर्णय आया था उसमें स्टे नहीं दिया है इसलिए अभी जो फेस्टिवल शुरू होगा मुझे लगता है कि अगर कोई भी महिला वहाँ पे दर्शन के लिए जाएगी तो वहाँ के लोगों ने विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है 2018 का तो वो महिलाओं को वहाँ पे जो है वो पाबंदी हटाई गई है और जो महिलाएं जाने वाली है उनको प्रोटेक्शन देकर अंदर तक मंदिर में जो है वो छोड़ना चाहिए. एक रिमार्केबल इसमें जो स्टेटमेंट था कोर्ट का है कि टेंपल में जो इस तरीके की जो एंट्री है वो सिर्फ टेंपल तक नहीं मस्जिदों तक भी सीमित है उसको कैसे देखती है? मुझे लगता है कि कोई भी धर्म का मंदिर हो दरगाह हो या मस्जिद हो सभी जगह जो है वो महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए और यही इक्वालिटी की जो लड़ाई है वो सभी जगह हमारी शुरू रहेगी. दरम्यान सबरीमालाची याचिका ही मोठ्या पीठाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. 7 न्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी होणार आहे.